मेरा सवाल जो है आरती जी से है आरती जी आप स्टार फैमिली से आती हैं तो कितना संघर्ष करना पड़ा आपको यहाँ तक आने में सर ऑनेस्टली बोलूँ तो संघर्ष मेंटल लेवल पे था क्योंकि जब आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा नामी लोग होते हैं और आप उतना नहीं पहुंच पाते हो तो मुश्किल होती है उनके बराबरी की नहीं बट अभी भी मुझे याद है जब हमारे कोई फंक्शनस होते हैं तो मुझे साइड में हटा दिया जाता था और जो स्टार्स होते थे बोलते थे आप आइए आप आइए तो कहीं ना कहीं दुख होता है जब मेरे को मुझे बहुत बार आ, हटा दिया गया है कि अगर बिकॉज रागिनी और कृष्णा झलक करे तो बोलते आप हट जाइए तो मैं बोल मेरे को ऐसा ये कितना टाइम हो गया और मैं सोचती थी यार मैं बहन हूँ उसकी ऐसा वो मेंटल लेवल पे धीरे धीरे करके होता है तो वो मेंटली स्ट्रगल होता है बट अदरवाइज़

पॉजिटिव कभी करने का सोचेंगे क्या? अरे देता ही नहीं है कोई <laughs> क्योंकि इन लोगों को मजा आता है लोगों को हम जब डराते हैं या हसाते हैं उन लोगों को या जनता को ऑडियंस को तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी से ही सुख का आदान प्रदान जीवन में चल रहा है और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं किया है पॉजिटिव बहुत सारा काम किया है हमने पर जो चर्चा होती है ना और जो जन जन तक पहुंचती है वो रावण वाले किरदार की होती है विलन वाले किरदार किरदार की की होती है, की होती है है नेगेटिव वो एकदम से लोगों को टच करता है तो और मुझे लगता है वो मैं ज्यादा अच्छा कर लेता हूँ या श्रव, yeah. yeah. जब ये आपको पहले ये कैरेक्टर मिला कि आपका मेन रोल है शो ही आपके नाम पे तो आपको कैसे फीलिंग हुई और आपके मम्मी डैडी ने आप इस, आ, आपको कितना सपोर्ट किया है इसमें एक्चुअली मैं ये फाइव ईयर्स से कर रही हूँ uh, मैं uh, इस इंडस्ट्री में फाइव ईय से हूँ सो so, मतलब फर्स्ट uh, जब मैं छोटी थी अभी भी छोटी हूँ मेरे को पता था कोई ना कोई बोलेगा इन लोगों में से ब्रिलियंट <laughs> अभी भी छोटी हूँ मतलब उससे भी जब थ्री या टू ईयर्स की थी मैं तब मेरे को बहुत डांस का बहुत ऐसा था कि डांस और बहुत अच्छा लगता था ये सब करना एक्टिंग करना तो एक बार मेरे को एक बार मेरी फ़ोटो भेजी थी बॉम्बे में तो उन्होंने बोला एक बार आप बॉम्बे आओ तो बॉम्बे में हम आए तो उनको अच्छा लगा तो फर्स्ट शो मैंने गुड डन किया था और सेकंड जब मैं वापस से मैं उदयपुर रहती थी जब मेरी मम्मा बिजनेस करती उदयपुर में तो मैं उधर चली गई थी एंड लता मंगेशकर की एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी उनकी तो मेरे को उसके लिए बुलाया था उनके बचपन के कैरेक्टर के लिए तो मैं गई थी बट उनकी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी उस टाइम और मैं उस टाइम फाइव ईयर्स या फोर की थी तब आ, एक ऑडिशन माइथो में भेजा था जैसे इनके साथ और उनके साथ मैंने विघ्नहर्ता श्री गणेशा किया था वैसे ये लोग तो नहीं थे उस टाइम बट मैं रश्मि प्रभा का रोल किया था भंडासुर की बेटी और थर्ड शो दिल जैसे धड़के धड़कने दो किया था मैंने वो एक्चुअली लॉकडाउन था तो वो बंद हो गया था दो महीने चला था और छोटी सरदारनी जिसमें मेरे को बॉय का रोल दिया था मैं उसमें बॉय बनी थी करण और भी ऐसे शोज़ किया और ये श्रावणी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है शो में और Uh, ये मत समझिएगा कि ये नेगेटिव uh, रोल करे तो ये रियल में ऐसी है ये बहुत प्यारी दीदी है <laughs> ये बहुत प्यारी दीदी है द यंगेस्ट वेटरन ऑफ आवर इंडस्ट्री आई हैव टू से आरती जी मेरी एक मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने काफी नेगेटिव रोल किया हुआ है इसमें इसमें काफी डेंजरस रोल है तो आपने अपने आप, 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 आपको कैसे मेंटली प्रिपेयर किया आई थिंक आप यू डन पहली टाइम कर रहे हैं आप नेगेटिव रोल जी तो ये कहानी गोरखपुर से बिलोंग करती है मैं आ, यूपी में पली बढ़ी हूँ तो यूपी में मुझे वो लहजा है मेरा थोड़ा बहुत और जैसे बकर बकर मत करो बहुत बतिया रहे हो ये मैं नॉर्मली उस माहौल में रही हूँ तो वो अपने आप अंदर से आ जाता है और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये लोग मेथड एक्टिंग की बातें कर रहे हैं मैंने अपनी लाइफ में कभी मेथड एक्टिंग नहीं की नहीं तो मेथड एक्टिंग में तो मैं तो पावाली हो जाऊँगी आई जस्ट गो एंड परफॉर्म और जो अंदर से आता है ऑन द स्पॉट आई डू और अगर मैं बोलूँ कि मैंने बहुत तैयारियाँ की हैं मैंने कोई तैयारी नहीं की है आई जस्ट गो एंड परफॉर्म मैं नॉर्मली मेरा कैमरा ऑन होता है और फिर जो दिल से आता है एंड टच हमारी टीम इतनी अच्छी है कि कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो गाइडेंस तो मिलती रहती है हमें आरती सिंह चंद्रा हमने आपको बिग बॉस में देखा आपको परिचय थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है देखा और आपने हर जगह तड़का लगाया है यहाँ एक अलग ही तड़का लगा रही हैं आप श्रवणी की इस कहानी में और इतनी छोटी सी प्यारी सी जो आपकी ओपोनेंट है उस पर जुलम करना कितना मुश्किल होगा उसके देख के सिर्फ प्यार आता है आई स्वेर कभी कभी अभी हम एक्चुअली परसों एक सीन कर रहे थे जिसमें मेरा ओ एस चल रहा था और इसने इतने प्यार से मुझे कुछ बोला गुड़ खाइए तो मुझे से मनमोहन बोलते हैं प्यार नहीं लाना है गुस्सा लाना है क्योंकि मुझे आता ही नहीं है इसके ऊपर गुस्सा बट एक्टिंग है एंड uh, uh, जब मुझे ये ऑफर किया कि विलन करना है थोड़ा सा मैं डरी uh, हुई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं बट uh, जब मैं पहली बार ऑफिस में गई और जो एक्साइटमेंट मैंने अपने प्रोड्यूसर्स की शक्ल पे देखी मुझे लगा कि हो जाएगा बस पता है मुझे हो जाएगा और ये, ये वर सो हैप्पी टू वेलकम मी कि मैंने बोला चलो आप मैदान में कूद ही पड़ो अब तो कर लेंगे जैसे भी मेरे लिए अगर कोई रोल है तो मेरी भी एक ग्रुप फोटो हो जाए आपके साथ ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं ये लोग बहुत मेहनत करते हैं कई घंटे सेट पर तो ऐसा मौका के हम वी कम अप क्लोज एंड पर्सनल विद द होल श्रवनी फैमिली हमें रोज रोज नहीं मिलेगा इसलिए जितनी भी एक्साइटमेंट है जो भी पूछना चाहे ओवर टू यू